जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। यम्मी केक, मजा आ गया। ये लो खाओ, बहुत टेस्टी है, खाओ। धन्यवाद। ये तो सच में बहुत अच्छा है कांत बाबू। ऐसा जन्मदिन तो मैंने पहली बार देखा है। इतना नाच गाना, खाने को इतना कुछ, और ये केक। हाँ, इसको मैं दुकान पे देखती थी जब बड़ी कोठी जाती थी ना मछलियाँ बेचने। ये कांच के अंदर रहते थे अलग अलग आकार के, तितलियों के, तारों के, दिल के भी, लेकिन कभी चखा नहीं था। आज तुम्हारी मेहरबानी से वो भी हो गया। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है? जन्मदिन दशहरा के दिन। माई कहती थी मैं भी अपना धनुष बाण लेके आई थी रावण को मारने। हो गया साफ। Just wait. खाद बाबू, तुम्हारे गांव का तो पता नहीं पर हमारे शहर में ऐसे जन्मदिन मनाते हैं। थोड़ा लगाओ, थोड़ा खाओ। अच्छा रुको, फिर अभी बताती हूँ। थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। नो नो नो, डोंट 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 डोंट। देखो सुनो, रुको, रुको। अच्छा अब बारी आई तो रुको, मैं नहीं रुकूंगी। देखो रज्जो सुनो, हमारी हमारे हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े पे थोड़ी, मुंह पे पोतूंगी ना। देखो रज्जो, नहीं देखो रज्जो, सुनो सुनो, नहीं नहीं वही कुछ नहीं, लगेगा तो लगेगा। अब कैसे लगाओगी? लगाऊंगी, मुझको कैसे पोता, मैं भी तो बदला लूंगी ना। बताओ अब कैसे बचोगे? फंस गए ना, केक लगेगा ही लगेगा। आँख में गया। फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको खाद बाबू, पकड़े रखो, मैं भी नहीं हटूंगी तुमसे, तुम्हारे ऊपर ही लेटी रहूंगी। अब देखो से जुड़ा क्यों मन वाना जाने साथी रे, आंखों में ख्वाबों के जुगनू लिए, रात रात यूं ही जलता है ये, है सुनते ही बस नाम तेरा, ना जाने क्यों मजलता है
तुझसे जुड़ा क्यों मनवा ना जाने साथी रे। लगा दिया, अब आया मजा। और करोगे? दूसरी आंख में भी गया, ये तो और जल रहा है। हम नीचे जाते हैं, तुम वॉशरूम में जाके मुंह धो लो अपना। गुसल खाना किधर है? बहुत चल रहे। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आज की रात होना है क्या, क्या एक हाथ बाबू, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। इतना पानी से धो लिया फिर भी चुभ रहा है, आंख ही नहीं खुल रही। सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, अब ऐसे ही दिखेगा क्या मुझको? फिर मैं माई को कैसे ढूंढूंगी? ये बच्चा आप ही नहीं है मनोरमा ठाकी? आप हमारी मदद करेंगे ना रज्जो की माँ को ढूंढने में? मुझ पे आपकी बहुत मेहरबानी होगी परेशान, मेरी माई तुम्हें बहुत दुआएं देंगी। अल्लाह दुहाई है फिर जा पे आई है, अब तो तबाही है प्यार में। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, हमें जरा जल्दी निकलना पड़ेगा, कुछ काम है, कुछ लोगों की मदद करनी है। मिलते हैं एक आध दिन में इत्मीनान से। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। हम आते हैं। नहीं, आप और बंटी बाद में आइए, आप एंजॉय कीजिए, हम गाड़ी भेजते हैं। बाय दादी। बाय 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 अंकल। बाय, एंजॉय। कहा था हमारा बीता हुआ कल आज मैं आके हमारे आने वाले कल को बर्बाद नहीं कर सकता। यही सोचकर आया हूं तुम्हारा अंत करने। मेरी आंख कुछ नहीं दिख रहा। रज्जो फिर से आंखें धो ले, नहीं तो तेरी आंखें गई। नहीं, इस पे हमला करने से पहले ये मुझे देख नहीं सकती। उसल खाना। गुसल खाना किधर गया? मैं बाहर आ गई क्या? Thank you.
डायमंड, कहां तो हम सबसे छुपके इससे छुटकारा पाना चाहते थे, पर यहां तो सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। रज्जू ठीक हो तुम? आर यू ओके? तुम पागल हो गए? तुम क्या कर रही थी? कहीं गिर जाती, चोट लग जाती, कुछ हो जाता तुम्हें तो? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक है, सब ठीक है, रोना बंद करो, सब ठीक है। अर्जुन! जितना छटपटाओगे उतने ही उलझते जाओगे। हमें तो पहले ही शक था, कुछ तो राज छुपा रहे हैं देवर जी। अच्छा है, इन पे सबकी नजर जाएगी तो हमसे तो हट जाएगी कम से कम। अर्जुन कौन है ये? चल कर दिया अलग, अब बताओ क्या है ये सब? कौन है ये लड़की जिसे तुम इसके नाम से बुला रहे हो, इसके लिए इतनी परवाह दिखा रहे हो? इसका मतलब कि तुम इसे पहले से जान रहे हो। तो बताओ सबको, कौन है ये, कौन है ये लड़की और हमारे घर में कर क्या रही है? हाँ अर्जुन जवाब दो, हमें भी सुनना है, आखिर है कौन ये? इसे घर में कोई नहीं जानता, इसे तुम इतने करीब से कैसे जानते हो? अर्जुन
यूं सर झुका के क्यों खड़े हो? तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दो। क्या है ये सब? हमने पूछा क्या है ये सब? सत्यानाशी लड़की है ये, यहाँ भी नाशी मचाने आई है। अर्जुन, हम आखिरी बार पूछ रहे, कौन है ये लड़की? रज्जू, रज्जू नाम है इसका। वो तो तुम्हारी चीख सुनकर पूरा मोहल्ला जान गया है, रज्जू है। आगे बताओ। नींद ताल में मिली थी हमें, जहाँ बाढ़ आ गई थी, तो ये वहाँ से है, पहाड़ की है। पहाड़ों की है तो इसे पहाड़ों में रहना चाहिए ना। तुम्हारे साथ क्या कर रही है यहाँ लखनऊ में? उर्वशी, अभी हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। हो जाए तो तुम अपने शुरू कर देना। आगे बताओ। हम इसको साथ में नहीं लेकर आए हैं। नीलताल में बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में इसकी माँ गुम हो गई। इसकी माँ का इसके अलावा कोई नहीं है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि लखनऊ में इसकी माँ मिल सकती है रेस्क्यू सेंटर में। जो घायल लोग हैं वो वहाँ पर गए हैं, तो किसी टेम्पो में बैठ गई और अनफॉर्चुनेटली वो टेम्पो हमारा निकला। उसके बाद एक घर आ गई, घर से कमरे में आ गई और सगाई की रात ही हमें बाय चांस एक सूटकेस में मिली। दैट्स इट। व्हाट? ये उस दिन से तुम्हारे साथ है और वो भी अकेले तुम्हारे कमरे में? और इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाए रखी? और क्या, छुपन छुपाई तो खेल रहे हैं आपके लल्ला, तुम मम्मास बॉय। यानी पड़ोसन ठीक ही कह रही थी कि कोई लड़की अर्जुन की बालकनी से चढ़ती कूदती है, हैं? और वो बाल और वो छूटा हुआ घाघरा सब इसी का था, है ना? अच्छा, इसीलिए आपने रूम पे ताला लगाया था। अब खाने की थाली भी इसी के लिए सजा रहे थे तुम, झूठ बोल बोल के। बाहर के खाने से पेट नहीं भरा, माँ के हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है। वाकई लल्ला, बात तो कुछ और ही थी। ये बात थी, ये झूठ था। हाँ देवर जी, आपने तो सबको सॉलिड बुद्धू बनाया। तो अर्जुन के पास सॉलिड रीजन भी होगा, क्योंकि जो कभी झूठ नहीं बोलता वो यूं ही झूठ नहीं बोलेगा। कमाल, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर इसकी जगह हम कर देते ना तो पूरा परिवार हमारा बवाल काट देता। सही कह रहे हैं? हाँ, शायद घर से भी निकाले जाते। सच में हमको भी कम से कम अर्जुन से तो ये उम्मीद नहीं थी। I'm sorry, माँ। Really sorry. तुम्हारा तिल अच्छा है, इसीलिए बिना दिमाग लगाए सबकी मदद करने दौड़ जाते हो, मसीहा बन जाते हो। लेकिन यह हरकत, इस तरह से एक जवान लड़की को अपने कमरे में रखना, सबकी आंख में धूल झोंकना, अरे हमारी आंखों तक को नहीं बख्शा तुमने, इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम किसी से नजरें मिला पाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।